यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक हकीकत नजरअंदाज कर रहे हैं कि यूक्रेन के नागरिक इस जंग में अपना सब कुछ स्वाहा कर देने के लिए भी तैयार हैं। तभी तो यूक्रेन के 18 से 60 साल तक के मर्द अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। और इतना ही नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की अपील के बाद अब अलग अलग देशों के नागरिक यूक्रेन पहुंचने शुरू भी हो चुके हैं। ये वो ब्रिटिश नागरिक हैं जो यूक्रेन की सेना में शामिल होकर रूस के खिलाफ जंग लड़ने के इरादे से यहाँ पहुँचे हैं। यानी अगर ये जंग कुछ दिन और जारी रही तो रूस एक लंबी जंग में उलझने वाला है। इस हकीकत से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि रूसी सेना के कहर से यूक्रेन में आम लोगों में दहशत फैली हुई है, लेकिन बावजूद इसके वो रूसी सेना का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, चाहे हथियारों के साथ हों या निहत्थे। यूक्रेनी नागरिक रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रैलियां भी निकाल रहे हैं। यानी जिससे जैसे बन पड़ता है रूस की सेना का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल यूक्रेन के कई दूसरे शहरों पर रूसी सेना के हमले लगातार जारी हैं। हालांकि यूक्रेन की सेना रूसी सेना का सामना बड़ी ही बहादुरी से कर रही है, लेकिन इस जंग का अंजाम क्या होगा इस हकीकत से भी दुनिया अनजान नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बात का ऐलान पहले ही कर चुके हैं कि यूक्रेन की सेना के सरेंडर करते ही रूस सीज फायर का ऐलान कर देगा। लेकिन यूक्रेन की सेना रूस के सामने हथियार डालेगी ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। यानी एक बात तो तय है कि जिस भी दिन रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग रुकेगी तब तक यूक्रेन के कई खूबसूरत शहर शमशान में तब्दील हो चुके होंगे। और रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। यूक्रेन ने कहा कि आज की बातचीत में दोनों देशों के बीच किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। इससे पहले भी रूस और यूक्रेन के बीच दो दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।